आज दिनांक 8 नवंबर 2024 को सुबह थाना फेस टू पुलिस की एक मुठभेड़ हुई, जिसमें दो लोग जिनका नाम हनीफ और शकील है वो दो घायल हुए और उनको तुरंत ही पास वाले अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। जब इसमें आगे तफ्तीश की गई तो पाया गया कि यह दोनों लोग भोले भाले लोगों के साथ उनका एटीएम बदलकर धोखाधड़ी करते थे। ये लोग पहले जब लोग अपनी सैलरी शुरू के महीनों के शुरू के दिनों में जब सैलरी विड्रॉ करने आते थे तो ये लोग उनको बातों में उलझाकर चुपके से उनका पिन देख लेते थे और जिस कंपनी का और जिस कलर का एटीएम कार्ड उन भोले भाले लोगों का होता था उसी तरह का सिमिलर एटीएम कार्ड ये काफ़ी रखते थे। इनके पास 26 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं, उस तरह का ही एटीएम कार्ड ये लोग उन लोगों को लौटा उन लोगों को दे देते थे और उस व्यक्ति का, क्योंकि एटीएम पिन उन्होंने पहले ही देखा होता था तो उस व्यक्ति का ये लोग एटीएम रख लेते थे और उसके बाद पास वाले एटीएम बूथ में जाकर ये लोग उस एटीएम कार्ड के साथ और क्योंकि पिन उन्होंने ऑलरेडी देखा हुआ होता था तो उससे पैसे विड्रॉ कर लेते थे। पैसे विड्रॉ करने के बाद ये लोग भाग जाते थे। इसमें इन लोगों का पुराना भी आपराधिक इतिहास हमको काफ़ी मिला है। पिछले 5-6 साल से ये लोग इस तरह का अपराध कर रहे हैं और ये लोग को न्याय की हिरासत में भेजा जा रहा है। इसमें अन्य जो भी इनके गिरोह में और लोग शामिल हैं उनकी तफ्तीश की जा रही है। इनकी यहाँ पर भी NCR के कई जिलों में वारदात है, बुलंदशहर में भी इनके आपराधिक इतिहास मिला है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें और लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरे भारत से जुड़ी लेटेस्ट खबरों की जानकारी मिल सके। वीडियो संबंधित किसी तरह की सहायता और मदद के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर आप हमें ईमेल आईडी पर ईमेल भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ दिन।